हेलो फ्रेंड्स, मैं उसने स्नेहा किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं सबकी मनपसंद बर्गर की रेसिपी लाई हूँ और ये मैं तवे पर बनाने वाली हूँ। तवा बर्गर आप मैकडोनल्ड में जाकर खाते हैं, आलू टिक्की बर्गर ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसे आप घर पर बना के देखिए। हमेशा बच्चों की फरमाइश रहती है हमें बर्गर खाने जाना है, तो घर पर आपके पास जो भी सब्जियां हो वो डालकर आप इसे बना के दे सकते हैं। ये हेल्दी भी बनेगा और आलू टिक्की बर्गर से भी टेस्टी बनेगा। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ, आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। आपके पास जो भी सब्जियां घर पर हो आप उनसे बनाकर बच्चों को दीजिए और ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन क्लिक करना भी ना भूले, ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए अब हम देर ना करते हुए बनाते हैं तवा बर्गर। बर्गर के लिए चार बंस चाहिए, एक मीडियम साइज़ का गाजर बारीक काटा हुआ, एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च बारीक काटी हुई, दो मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक काटे हुए और इसके मैंने सीड्स निकाल दिए हैं, एक चौथाई कटोरी मटर, आप चाहे तो बॉयल मटर भी ले सकते हैं, एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काटा हुआ, छः लहसुन की कलियाँ, एक इंच अदरक का टुकड़ा और एक हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है बारीक, दो चीज़ क्यूब के मैंने लिए हैं और ये प्रोसेस चीज़ है, आप चाहें तो मोजरेला चीज़ भी ले सकते हैं, और चीज़ स्लाइस भी हमें चाहिए। चलिए अब हम बनाते हैं तवा बर्गर। सबसे पहले हम गैस पर तवा रख देंगे और इसमें हम दो बड़े चम्मच तेल के डाल देंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच जीरा का डाल देंगे और जीरे को तड़कने देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें हम चॉप किया हुआ लहसुन अदरक और हरी मिर्ची डाल देंगे और इसे भी हम धीमी आंच पर भूनेंगे कुछ सेकंड के लिए, इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें बारीक काटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसे भी हमें हल्का सा ही भूनना है, इसे ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा पिंकिश हो जाए बस। ये बर्गर बहुत जल्दी बन जाता है। अब आप देखिए प्याज हल्का सा पिंकिश कलर में हो चुका है। अब इसमें हम मटर डाल देंगे, आप चाहें तो बॉयल भी डाल सकते हैं मटर, लेकिन मटर जल्दी गल जाते हैं इसलिए मैंने बॉयल नहीं किया है। इसे हम धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे। आपके घर पर जो भी सब्जियां हों वो आप उसे डाल सकते हैं और इसे हम मैश करेंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि आपने कौन सी सब्जी डाली है। अब इसमें हम बारीक काटी हुई गाजर, बारीक काटी हुई शिमला मिर्च दोनों डाल देंगे ताकि सब्जियां मटर के साथ अच्छे से गल जाएंगी। इन्हें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि हमने बारीक काटी हुई है। इसे भी हम धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे। अक्सर बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से बच्चों को सब्जियां दे सकते हैं और मैश करके देंगे तो पता भी नहीं चलता है कि आपने इसमें कौन सी सब्जी डाली है, वो चटकोरे ले लेके खाते हैं। अब इसे हम ढक कर 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके, ढक्कन हटा कर देखते हैं। ये देखिए सब्जियां पक चुकी हैं, आप देख सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा मैश करेंगे। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को आलू टिक्की बर्गर की रेसिपी शेयर की है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मटर का दाना अच्छे से पक चुका है। मटर को टाइम नहीं लगता है पकने में, 2-3 मिनट में पक जाता है। अब हम इसे मैश कर देते हैं, आप चाहे तो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, आधा छोटा चम्मच नमक, आप नमक अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आप तीखा ज़्यादा खाते तो ज़्यादा डालिए, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकती हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। इस तरह से हम इसे मैश कर देंगे ताकि बच्चों को पता भी ना चले कि आपने कौन सी सब्जियां डाली हैं। अब इसमें हम बारीक काटा हुआ टमाटर डाल देंगे, आप चाहें तो सब्जियों के साथ भी टमाटर डाल सकते हैं, मैंने बाद में डाला है क्योंकि टमाटर जल्दी से गल जाते हैं और इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। इस तरह से आप इस सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए।
ये बर्गर इतना टेस्टी बनता है कि आप आलू टिक्की बर्गर खाना भी भूल जाएंगे। तो इसे एक बार आप ज़रूर बनाइएगा और आपके सुझाव भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब इसमें हम 1/4 चम्मच रेड चिल्ली सॉस का डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच सेजवान सॉस का डाल देंगे। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आप चाहें तो कोई हर्ब्स भी डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। आप सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, लेकिन सेजवान सॉस से इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है, आप ज़रूर डाल के देखिएगा। अब हम 2 बड़े चम्मच टमाटो सॉस के डाल देंगे। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, खट्टा मीठा लगता है और ये सब स्पाइसेस को बैलेंस करता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सिर्फ हम 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेंगे, ताकि सब मसाले अच्छे से भून जाएं। अब इसमें हम ग्रेटेड प्रोसेस चीज़ लिया है और ये मैंने 2 क्यूब्स लिए हैं। आप चाहें तो मोजरेला चीज़ भी ले सकते हैं। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे ही मिक्स करेंगे। हमें इसे इतना ही भूनना है जब तक चीज़ मेल्ट हो जाए, ज़्यादा इसे भूनना नहीं है। अब आप देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, बारीक काटा हुआ। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब सब मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। आप इस तरह का बन ले लीजिए और इसे हम बीच में से काट लेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम वेज मेयोनीज लगाएंगे, ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप इस तरह से मेयोनीज लगा दीजिए, अच्छे से फैला दीजिए इसे। इस पर भी हम मेयोनीज लगा देंगे और ज़्यादा लगाइए, क्योंकि मेयोनीज बच्चों को बहुत पसंद आती है। इस तरह से दोनों पर लगा दीजिए। अब हम लेंगे तवे का मसाला और हम बन के ऊपर इसे डाल देंगे, और ज़्यादा डालेंगे इस तरह से। एक साइड ही हमें डालना है। इसे अच्छे से फैला दीजिए। ये मसाले से आपका बर्गर इतना टेस्टी बनेगा। अब इसके ऊपर हम चीज़ स्लाइस रख देंगे। चीज़ स्लाइस भी बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब इसके ऊपर ये बन का दूसरा पीस रख देंगे और इस तरह से इसे प्रेस कर देंगे। ये देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। जब आप इसे तवे पे सेकेंगे तो ये चीज़ मेल्ट हो जाएगा, तो और भी टेस्टी लगेगा। अब आपको मैं एक और मेथड बताती हूँ। इस तरह से बन को बीच में से काट लीजिए। 1 टेबल स्पून मेयोनीज लिया, इसमें मैं 1 टीस्पून टमाटो सॉस का डाल देती हूँ। ये बर्गर मेयोनीज बना रही हूँ, जो आप बर्गर लाते हो उसमें इसी तरह की मेयोनीज होती है, तो ये आप घर पर भी बना सकते हो। इसमें मैं 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली सॉस का भी डाल रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए सेम मार्केट में मिलती है बर्गर मेयोनीज, उसी तरह बन गई है। अब ये मेयोनीज को भी हम बन पर लगा देंगे और दोनों साइड लगाएंगे। ज़्यादा लगाइएगा। आपने देखा होगा बाहर से हम बर्गर लाते हैं तो मेयोनीज कैसे बाहर निकलती है, उस तरह से आप ज़्यादा लगाइए, बच्चों को बहुत पसंद आती है। इस पर भी हम इसी तरह मेयोनीज लगा देंगे और ज़्यादा लगाएंगे। ये देखिए अब हम मसाला डाल देंगे। मसाला भी आप ज़्यादा डालिएगा तो बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से आप ज़्यादा मसाला लगा दीजिए। अब इसके ऊपर हम प्रोसेस चीज़ ग्रेट करेंगे। दूसरे में मैंने चीज़ स्लाइस रखा था, इसमें मैं चीज़ ग्रेट करके डाल रही हूँ। जैसा आपको पसंद हो, बच्चों को पसंद हो, आप उसी तरह बनाइए। और चीज़ भी ज़्यादा डालिए, कंजूसी मत कीजिए। अब इसके ऊपर हम दूसरा बन रख देंगे। इस तरह से हल्का प्रेस करेंगे। ये देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे हम तवे पे सेकेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। अब हम गैस पर तवा रखेंगे। इस पर हम 1/2 चम्मच बटर का डाल देंगे और बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर में सेकने से बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला देंगे। आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम बर्गर रख देंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए इस तरह से घुमाएंगे, ताकि अच्छे से बटर लग जाए। अब हम इसे पलट देंगे और इसे दूसरी तरफ भी हम इसी तरह सेक लेंगे। हल्का सा आप इसे घुमा दीजिए। अब इसे हम निकाल लेंगे, इसे हमें ज़्यादा नहीं सेकना है। ये देखिए वाओ, लग रहा है ना सेम मार्केट जैसा बर्गर।
आपको एक और बताती हूँ, तवे पर बटर डाल दीजिए, बटर को मेल्ट होने दीजिए। इसमें हम 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर का डाल देंगे। इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए और आँच को धीमी रखिए। अब इसके ऊपर हम बर्गर रख देंगे और इसे सेकेंगे। इस तरह से आप हल्का सा घुमा दीजिए। इसे भी हम पलट देंगे और दूसरी तरफ भी इसे सेक लेंगे अच्छे से, इस तरह से घुमाते हुए। अब आप इसे निकाल लीजिए। ये देखिए, वाओ कितना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। दिखने में जितना अच्छा है, खाने में तो और भी टेस्टी है। ये लीजिए, आपका तवा बर्गर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं चीज़ किस तरह से मेल्ट हो चुकी है दोनों में। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप ये तवा बर्गर ज़रूर बना के देखिए और आपके सुझाव तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।